का एक रहस्य भी है कि यहाँ पर एक गुफा है इस साइड में, तो गुफा के अंदर पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। ऐसा हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम लेके आए हैं आपको चांद बावड़ी। ये राजस्थान के दौसा ज़िले में है और इसकी एक ख़ास बात और है। अगर आप इस बावड़ी के अंदर से कहीं से भी उतरोगे ना, अगर आप वापस उसी रास्ते से चढ़ जाए तो बिना मार्क किए तो आपको 1,00,000 रुपये इनाम है यहाँ पर आने में। तो बाकी आज तक तो कोई पूरा कर नहीं पाया। और इस प्रकार से कुछ बावड़ियाँ बहुत ही गहरी हैं, तो चलिए इसका इतिहास जानते हैं। ये है इसका गेट जिसके ऊपर लिखा हुआ बावड़ी एंड हरसा माता का मंदिर। और ये यहाँ इस प्रकार से कुछ एंट्री है। एंट्री लेते ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से आप ऑफलाइन टिकट ले लेते हैं 25 रुपये की। अगर ऑनलाइन निकालते हैं तो वो है 20 रुपये की। उसके बाद में आप जैसे आगे चलोगे तो यहाँ पर कुछ मैप लगा हुआ है, जिसको देख कर आप पता लगा सकते हो कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो उसके बाद में हम चलते हैं आगे। वो वहाँ पर है हरसा माता का मंदिर और इस साइड में है चांद बावड़ी। चलिए वो दिखाते हैं आपको। और उधर है टॉयलेट। यहाँ पर एक शिला लेख के ऊपर चांद बावड़ी का इतिहास लिखा होता है। और सामने आप देखोगे तो चांद बावड़ी का गेट है, जिसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। तो आप उसके पास में अपने टिकट लेके जाओगे तो वो वहाँ से चेक करके आपको इससे बाहर निकाल देगा। जिसके आगे आपको राइट साइड में आप देखोगे तो आपको चांद बावड़ी दिख जाएगी, जैसे सामने वो लेडीज दिख रही है उसके पास में से आप अंदर जाओगे तो इस प्रकार से कुछ है चांद बावड़ी का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये दिखाते हैं आपको दोस्तों। आप देख सकते हो हमारे सामने ये है चांद बावड़ी और ये इंडिया की सबसे बड़ी बावड़ियों में से इनका नाम आता है। और यहाँ का एक रहस्य भी है कि यहाँ पर एक गुफा है इस साइड में, तो गुफा के अंदर पूरी की पूरी बारात गायब होती थी। ऐसा कुछ यहाँ की हिस्ट्री है। और बहुत ही बताया जा रहा है 3500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ यहाँ पर और कम से कम 200 फुट ज़्यादा गहरी है। उसके अंदर पानी है, पूरे ज़मीन से आता है, देख सकते हो कितनी खूबसूरत। अभी तो जाली लगा दी है तो अंदर जाने नहीं दे रहे। और इस साइड में कुछ महल टाइप बना हुआ है। और यहाँ पे एक साल में एक त्यौहार भी आता है, जब भी बावड़ी खुलती है और यहाँ के लोग नहाने भी आते हैं इस बावड़ी के अंदर। इस बावड़ी का निर्माण गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा महिर भोज ने, जिनको चांद नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। बताया जा रहा है कि 9वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण कराया था। और 35 मीटर चौड़ी बावड़ी है, जो कि करीब 13 मंजिल हाइट पे है और 100 से ज़्यादा फीट गहरी बताई जा रही है। इस बावड़ी के अंदर सुंदर कलाकृति के साथ में इस बावड़ी के अंदर एक महल का भी निर्माण करवाया गया था, जो कि राजा जो गर्मी के मौसम में इसको यूज करते थे, क्योंकि इसके पानी के रहने की वजह से ये ठंडा रहता था और ये ज़मीन से काफ़ी थोड़ा सा नीचे था। इसकी वजह से राजा यहाँ पर गर्मियों के मौसम में आना पसंद करते। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टूटी हुई मूर्तियाँ रखी हुई है, तो इस साइड में देख सकते हो और इस साइड में भी आप देख सकते हो। जाली लगाई इस साइड में तो चांद बावड़ी का गेट और इस साइड में है हमारे मंदिर। तो हरसा माता के मंदिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हरसा माता के यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और ये मंदिर है कुछ ऐसा। और ये यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है। और मंदिर के बाहर देख सकते हो अभी इतनी मूर्तियाँ टूटी हुई है, इनकी भी अलग एक स्टोरी है, तो वो भी बताएंगे। और पहले मंदिर देख लेते हैं यार। दोस्तों ये है हरसा माता का मंदिर, जो कि अभी की हालत में टूटा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर का निर्माण भी राजा महिर भोज ने भी करवाया था। और जैसे कि मंदिर के नाम के आगे एक विधात है, हरसद यानी खुशी की माता और उल्लास, ये इसके नाम पे हरसद माता उनका नाम पड़ा था। और श्रद्धालु का ये भी मानना है कि इस मंदिर के अंदर कोई सच्ची श्रद्धा से आते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। बताया ये भी जा रहा है कि इस मंदिर के अंदर कभी 6 फुट की नीलम पत्थर की एक हरसद माता की मूर्ति हुआ करती थी, जो कि 1968 के अंदर चोरी हो गई थी। स्थानीय लोग का ये मानना है कि माता को संकट के बारे में पहले ही पता चल जाता था, वो स्थानीय लोगों को बता देती थी और स्थानीय लोग उसी हिसाब से उस जो परेशानी थी उसको उसी हिसाब से हैंडल करते थे। बताया जा रहा है कि 1921 और 1926 के दौरान मोहम्मद गजनी भी आया था, जिसने इस मंदिर की तोड़फोड़ कर दी। और 18वीं शताब्दी के अंदर जयपुर के राजा ने इसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना,
क्योंकि हम ऐसी हिस्ट्रिकल जगह से आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो हम करें पूरे राजस्थान की यात्रा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।